एग्जाम्पल 15 देखते हैं. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय. अब देखिए nth टर्म का ये एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है. तो nth टर्म का अगर एक्सप्रेशन दे रखा है तो किस तरीके से करेंगे इसको देखिएगा यहाँ पे. तो nth टर्म से मैं कोई भी टर्म निकाल सकता हूं. तो मान लीजिए a1 मेरे को निकालना है तो क्या होगा, n की वैल्यू 1 डल जाएगी, 3 प्लस 2 इंटू 1, तो 2 1 2 और 3 2 5 हो जाएगा. a2 अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 2 इंटू में 2, तो सॉल्व करेंगे 2 2 4 और 3 ये हो जाएगा 7. a3 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 3 प्लस में 2 इंटू में 3, तो 3 2 6 और 3 ये हो जाएगा 9. a4 देखिएगा 3 प्लस में 2 इंटू में 4, 4 2 8, 8 और 3 ये हो जाएगा 11. तो इस तरीके से देखिए आप क्या बन रहा है, ये आपका एक सीरीज बन रहा है जिसमें पहला टर्म 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11 इस तरीके से हो रहा है. तो देखना है चेक करके कि क्या ये एन टर्म बन रहे हैं, कि क्या ये एपी बन रहा है, इसमें एपी चेक करना है, एपी बन रहा है कि नहीं. तो 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गए 2, 11 में से 9 गए तो 2. तो ये डेफिनेटली एक एपी बन रहा है. तो दिस इज डेफिनेटली एन एपी. अब जब एपी बन रहा है तो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए ए हमारा यहां पे मिलेगा 5, डी मिलेगा इसमें 7 माइनस 5, इट मींस 2, और मुझे निकालना है एन की, ए एन की वैल्यू मतलब एस एन की वैल्यू. तो यहां पे दे रखा है एन हमें 24 और हमें निकालना है एस 24. तो कैसे करेंगे ये देखिए, एस 24 निकालने के लिए S24 is equal to n upon 2, 24 upon 2, ब्रैकेट में 2a, तो 2 into 5 और प्लस में n minus 1, 24 minus 1 और into में d which is 2, ये 12 हो गया, यहाँ पे 12 और ये हो जाएगा 5 दुना 10, 24 में 1 गया 23 दुना 46 प्लस में 46. इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू में 56 हो जाएगा, 12 छक 72 का 2, 7 कैरी 12 पंचे 60, तो 672. तो ये हो गया फर्स्ट 24 टर्म्स का सम. तो इसलिए लिखेंगे हेंस सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज is 672. ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करना था.